Hello everyone, in this video lecture we are going to see about our very first disk scheduling algorithm, which is first come first serve FCFS algorithm. It is the simplest algorithm where IO requests are processed according to their order of arrival. तो इसमें जो IO request है वो order of arrival में process होती हैं. बहुत simple है, इसका मतलब है जो पहले आएगा, जो रिक्वेस्ट पहले आएगी उसको हम पहले सर्व करेंगे. बट सिंस इट इज़ वेरी सिंपल एल्गोरिदम वेयर वी डोंट टेक मच इनटू अकाउंट अबाउट द परफॉर्मेंस, सो इट इज़ जनरली डजंट प्रोवाइड फास्टेस्ट सर्विस. सो द क्वेश्चंस दैट कम्स इन द एंट्रेंस एग्जाम्स और एनी ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जाम और थ्योरी एग्जाम इज यू हैव टू कैलकुलेट टोटल हेड मूवमेंट्स फॉर द फॉलोइंग IO request. So this is a very common example which is given in most of the books. So we will start with this example. तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ IO request given है और हमें head की position given है कि कहाँ पर हमारा head शुरू हो रहा है और हमें निकालना total head movements कितनी होंगी. तो देखिए इस question को कैसे solve करेंगे हम. First we have to create a picture like this. इसमें जो क्वेश्चन बता दैट इज टोटल हेड्स आर फ्रॉम 0 to 199, 0 से 199 तक हैं. तो दैट मीन्स 1 इज 0, एक पोजीशन हमारे पास 0 है. देन लास्ट पोजीशन जो है हमारे पास वो 199 है. और इसमें हमेशा बेटर रहता है कि आप इसमें ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, इट विल बी इजी. अब हेड कहाँ पे शुरू हो रहा है, 53 पे, तो यहाँ पे कहीं पे हम एक 53 ऐड कर देंगे, यहाँ से हमारा मूवमेंट शुरू होगा. उसके बाद यहाँ पे आप आपस इनको नोट कर दीजिए, वी हैव 14, सो 14, देन 37, देन वी हैव 53 इज़ देयर, आफ्टर 37 वी हैव 65, 67, 98, 122, 124 and 183. And just draw the lines like this. So now we have to see how much head movement is there. तो देखिए जो हमारा शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 53 से, तो हम यहाँ पे कहीं पे एक बना देंगे जहाँ से हमारा शुरू हो रहा है. अब उसका सबसे पहली रिक्वेस्ट जो आई वो है 98 की, सो वी विल मूव फ्रॉम 53 to 98. दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट, सो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1. देन फ्रॉम 98 to 183, तो 98 से अब हम जाएंगे 183 पे. This is our second request. From 183 to 37, तो सीधा हम यहाँ पे वापस आएंगे 37 पे. This is the third request. 37 से 122 पे जाएंगे. This is the fourth request. Then from 122 to 14. This is the fifth. Then from 14 to 124. This is the sixth one. Then from 124 to 65. And from 65 to 67. So this is the total movement of heads. Now we have to calculate total head movements. So for calculating total head movements, what you can do is you can count individual head movements from 53 to 98 and then from 98 to 183 and so on, and then add all the head movements. तो देखिए total head movements कैसे होगा, इसमें हम लिख सकते हैं total head movements
इज इक्वल्स टू हेड मूवमेंट फॉर 1 प्लस 2 प्लस अप टू 8। अब पहले के लिए कितना हुआ, 98 माइनस 53, क्योंकि 53 से 98 पे गया, दैट मीन्स कितना हेड मूवमेंट पर, 98 माइनस 53 विच इज इक्वल्स टू 45। देन फॉर सेकेंड इट इज 183 माइनस 98, यहाँ से यहाँ तक दिस इज इक्वल्स टू 85। फॉर थर्ड इट इज 183 माइनस 37 विच इज इक्वल्स टू 146 फ्रॉम दिस टू दिस पोजिशन। फॉर फोर्थ इट इज 122 माइनस 37 विच इज अगेन इक्वल्स टू 85। एंड फॉर फिफ्थ इट इज 122 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 108। फॉर सिक्स्थ इट इज 124 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 110। फॉर सेवन्थ इट इज 124 माइनस 65 विच इज इक्वल्स टू 59। एंड फॉर एट्थ इट इज 67 माइनस 65 विच इज इक्वल्स टू 2। सो टोटल हेड मूवमेंट्स इज एडिशन ऑफ ऑल दिस हेड मूवमेंट्स विच विल कम आउट टू बी 640। सो टोटल हेड मूवमेंट्स इन दिस केस इज 640। नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट मैटर्स। अगर ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो टोटल हेड मूवमेंट्स भी चेंज हो जाएगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ डिसशेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूजिंग FCFS एल्गोरिदम। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट SSTF, दैट इज शॉर्टेस्ट टाइम सीकिंग फर्स्ट एल्गोरिदम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। थैंक यू।